टू मेक प्रोफेशनल लाइफ, टू मेंटेन प्रोफेशनल लाइफ, टू गेट सक्सेस इन द लाइफ। ईच एंड एवरी सिचुएशन डिमांड्स ओनली वन थिंग दैट यू हैव गॉट, इफ यू हैव गॉट अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। गुड कम्युनिकेशन स्किल कैन बी इन इंग्लिश, कैन बी इन हिंदी, कैन बी इन संस्कृत, जर्मन, रशियन, जापानीज, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज में, संसार की कोई भी भाषा में आपका एक कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है। और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होने के लिए कुछ चीज़ों पर काम करना होता है, चीज़ों पर विश्लेषण करना होता है, जो बचपन से शुरुआत में हम देखते चले आ रहे होते हैं। हमारे स्कूल में जो टीचर हमसे कहते हैं वो चीज़ हमें तैयार हो जाती है, हमारे आसपास जो पड़ोस के लोग बोलते हैं वो तैयार हो जाती है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हम अपनी देहाती लैंग्वेज सीख लेते हैं। मतलब क्या है, हम अपनी बातचीत करने का तरीका हर जगह से सीखते चले जाते हैं और पूरा जीवन उसी में निकल जाता है। हमारी स्किल जो है वो पूरी की पूरी एक ही चीज़ डिपेंड करती है, हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और किस स्तर का बोल रहे हैं। बस अगर ये चीज़, अगर हम अपनी इस चीज़ पर काम कर लें, शायद हम किसी भी चीज़ में, IAS का इंटरव्यू हो, कम्युनिकेशन स्किल का कोई पॉइंट हो, प्लेटफॉर्म स्पीच हो, चाहे तो कोर्ट हो, चाहे तो कहीं बात करने की बात हो, कोई टीचर को पढ़ाने की, कोई भी प्रोफेशन हो, हम कह रहे हैं प्रोफेशन के अलावा आम जिंदगी में भी आने वाली जो दुविधाएं हैं उनका हल कहीं है तो वो कम्युनिकेशन स्किल में है। अब बात तो ये हुई कि इसके बिना कुछ नहीं होता, और कम्युनिकेशन स्किल में पॉइंट आते हैं। पॉइंट नंबर वन, सर इंग्लिश बोलने में डर लगता है। डर, ये डर नहीं है, डरते किससे हैं आप? कभी इंग्लिश बोलते समय किसी ने आपसे कहा ए, क्या कर रहा है, ऐसा मत बोल, ये मत बोल? अगर उसने ये बोला है तो उससे ये बोलिए आपको, प्लीज मत, क्या बोलना है, क्या बोलना है मुझे, कैसे बोलूं, आप ये बताइए भी तो। अगर आप मना कर रहे हैं कि ऐसा मत बोलिए तो ये भी तो बताइए कि बोलना कैसे है। दूसरा ये कि जब आप अंदर खुद से डरते हैं तो आपको वो आंसर नहीं प्राप्त होता जो पहले में तैयार हो रहा था। जब आप खुद से डरते हैं तो आपको खुद ही अपना एनालिसिस करना होगा, और खुद का एनालिसिस करके आपको ये निकालना होगा कि मैं डरता क्यों हूँ और उसके रीज़न है। पहला, आपको ये चीज़ पता नहीं कि कैसे बोलते हैं। दूसरा, पता है पर आपका उच्चारण आपको डर पैदा कर रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोलूँ तो कुछ गलत हो जाए। तीसरा, आपको कभी किसी ने इंसल्ट किया होगा तो आपको वो बार बार याद आ रहा है कि यार किसी को, दूसरा कोई आदमी इंसल्ट ना कर दे। और भी कई रीज़न हो सकते हैं मगर ये तीन रीज़न बहुत महत्वपूर्ण। पहला, खुद से डर लगता है तो आपने प्रैक्टिस कीजिए। प्राइम मोटिवेशन के चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो डले जिनमें प्रैक्टिस अबाउट, ऐसे ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो कभी इंग्लिश को जानते भी नहीं थे, वो आज अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। कारण क्या है? मेरे कारण नहीं, उन्होंने अपना एनालिसिस किया है, उन्होंने विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण पर काम किया, वो बन गए। जो लोग आपसे बोल रहे हैं, जो आपको डरा रहे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मुँह मत छुपाइए, उनसे बोलिए अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें प्लीज़ आप इसको इम्प्रूव कीजिए, सुधार कर बताइए। अपनी वोकेबलरी जो पावर है, अपना जो वर्ड पावर, उसको बढ़ाइए आप। तो इसका मैं सीधा सीधा टिप्स दे रहा हूँ आपको डर हटाने और इंग्लिश के लिए, बहुत अच्छा। आप हो सके तो कार्टून देखिए और कार्टून को ट्रांसलेट करना शुरू करिए आप, आपको बहुत मज़ा आएगा। जो नहीं बनता उसको लिखिए और अपने टीचर से पूछिए, या डिक्शनरी कंसल्ट कीजिए, गूगल कंसल्ट कीजिए, तभी आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। और सुनिए, बहुत जल्दी मत भागिए, सर दो दिन में इंग्लिश सिखा दीजिए, 10 दिन में सिखा दीजिए, इतने घंटे में सिखा दीजिए, ना। बचपन से लेकर आज तक हिंदी बोलते चले आ रहे, शुद्ध सीख पाए नहीं। लैंग्वेज बहुत बड़ा सागर है, आप इसे बाल्टी में नहीं समेट सकते, इसलिए कोशिश कीजिए जितना आ रहा है उसमें आप बढ़िया संतुष्ट रहिए और डेली इस पर काम करते रहिए ताकि आप उसमें प्रोग्रेस कर सकें। संसार की कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती, आप पूर्ण नहीं सीख सकते, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। आप आराम से शिद्दत के साथ, बहुत जल्दी मत भागिए, इंटरनेट की स्पीड जैसा मत भागिए, लैंग्वेज है उसको समझ कर सोच कर अच्छे से काम करना होगा। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें मैं आपको बड़े पेशेंस के साथ कुछ टिप्स लेकर आ रहा हूँ, कुछ 6 प्रैक्टिसेशन लेकर आ रहा हूँ, जिनको अगर आप करेंगे तो आराम से आप पढ़कर बहुत कुछ कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, मीटिंग सून, कल के वीडियो मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।